हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के प्रीमिक्स में हम आपके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है। बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 10-11 टेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि अगले 5 से 6 महीनों में आप अगर टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन करते हैं, अब भी टेस्ट देना शुरू करते हैं, तो आप अपना सिलेबस वेल इन टाइम कंप्लीट करके अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, राइट? एंड वी पुट ग्रेट डील ऑफ एफर्ट इन फ्रेमिंग दोज क्वेश्चंस ताकि आपकी एब्सोल्यूट बेस्ट लेवल की तैयारी हम करवा सकें, राइट? तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाउंडर के साथ करेक्टली मैच हैं? तीन है आपके सामने, तत्व बोधिनी सभा अश्विनी कुमार दत्त, साधारण ब्राह्मो समाज आनंद मोहन बोस, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शंस हैं आपके पास 1 एंड 2, 3 ओनली, 1 ओनली या फिर 2 एंड 3 ओनली। आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। अब पॉज करके आंसर याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका आंसर आपके साथ अब हम डिस्कस करेंगे। आंसर है डी, 2 एंड 3 ओनली। तत्व बोधिनी सभा अश्विनी कुमार दत्त इनकरेक्टली मैच्ड है। तत्व बोधिनी सभा शुरू करी थी देवेंद्र नाथ टेगोर ने, राइट? उसके अलावा साधारण ब्राह्मो समाज करेक्ट है। आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त, इन्होंने शुरू करा था। देन केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुराग ने प्रार्थना समाज शुरू किया था बॉम्बे में, राइट? तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ना कि अश्विनी कुमार दत्त। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग के ऊपर क्वेश्चन है। तिलक सेट अप इज होम रूल लीग इन अप्रैल 1916, रिस्ट्रिक्टेड टू बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। दूसरा, एनी बसंत की होम रूल लीग हैड 200 ब्रांचेस एंड जॉर्ज अरुंडेल एज दी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तीसरा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चितरंजन दास, मदन मोहन मालविया, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ऑल ऑफ देम ज्वाइंड दी होम रूल लीग एजिटेशन। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या फिर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप दोबारा पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट्स को। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है बी, 2 एंड 3 ओनली। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि तिलक ने अपनी होम रूल लीग सेटअप अप्रैल 1916 में जरूर करी थी, लेकिन कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिरार और महाराष्ट्र में थी, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी की जो होम रूल लीग थी वो एनी बसंत के पास थी। एनी बसंत ने होम रूल लीग सेटअप करी थी बॉम्बे में। एनी बसंत ने खुद की जो होम रूल लीग सेटअप करी वो मद्रास में सितंबर 1916 में। लगभग 200 ब्रांचेस बन गई इस लीग की, लूजली ऑर्गेनाइज्ड एंड जॉर्ज अरुणडेल एज दी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। और ये सारे एमिनेंट लीडर्स बिकेम पार्ट ऑफ दी होम रूल लीग एजिटेशन एंड ऑल्सो बिकेम हेड्स ऑफ दी लोकल ब्रांचेस, सम ऑफ देम, राइट? ये दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन आज का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है नेहरू रिपोर्ट को, जिन्नाज 14 पॉइंट्स और दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ द मुस्लिम लीग। 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2 या 3 1 2। आप पॉज करके याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी रिपोर्ट या कौन सा इवेंट कब हुआ था, ताकि आप उसको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगा सकें। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है डी, 3 1 2। तो सबसे पहले तो दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ द मुस्लिम लीग, ये आए दिसंबर 1927 में। देन नेहरू रिपोर्ट, ये फाइनलाइज हुई अगस्त 1928 में। और जिन्ना वाज डिससैटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल नेगोशिएशंस दैट हैड गॉन ऑन, तो मार्च 1929 में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए जो मुस्लिम लीग के फ्यूचर प्रोपेगेंडा का बेस बने, राइट? ये था तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। लॉर्ड इरविन की डिक्लेरेशन जो आई अक्टूबर 31, 1929 को, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, इट्स सेड दैट द नेचुरल इश्यू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस
इज द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, और दूसरा इट प्रोमिस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो वन एंड टू, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर नीदर वन नॉर टू. आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं. आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे. आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. लॉर्ड इरविन की स्टेटमेंट थी ये कि इन व्यू ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, उनको उनका ये मानना है कि इंडिया का नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस है वो यही है, डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देना. पर इसमें कोई भी उन्होंने टाइम स्केल नहीं दिया कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, 5 साल बाद देंगे, 20 साल बाद देंगे, 50 साल बाद देंगे, नहीं पता. बस इवेंचुअली आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे. लॉर्ड इरविन ने एक बात और कही कि साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया में हर प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, ताकि डिस्कस कर सकें कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या और कैसे लेके आने हैं. राइट, ये थी लॉर्ड इरविन की स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का. 1906 सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पहली, एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड इधर तिलक और लाला लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट. मॉडरेट्स प्रपोज द नेम ऑफ दादा भाई नेहरूजी. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही या गलत है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, इनकरेक्ट, और नीदर वन नॉट टू इज इनकरेक्ट. आंसर डिस्कस करते हैं. आंसर है डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे तिलक या लाला लाजपत राय में कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट हो ताकि अपना जो पक्ष वो सामने रख सकें, जिस डायरेक्शन में खुद ले जाना चाहते हैं पार्टी को, मूवमेंट को, उस डायरेक्शन में ले जा सकें. बट मॉडरेट्स ने प्रपोज किया दादा भाई नौरोजी का नाम, और क्योंकि वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, तो एक्सट्रीमिस्ट भी अपोज नहीं कर पाए. एंड एज अ कॉम्प्रोमाइज दादा भाई नौरोजी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द 1906 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सिग्निफिकेंट क्यों था ये सेशन, क्योंकि यहां पे कांग्रेस का जो एम था वो रीडिफाइन हुआ. कांग्रेस का एम रीडिफाइन हुआ एज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज. स्वराज हासिल करना कांग्रेस का मकसद बन गया 1906 सेशन ऑनवर्ड्स. इससे पहले तक सिर्फ वो लेजिस्लेचर में रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स, इन सब चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात होगी स्वराज्य की. साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन पास हुआ सपोर्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी दैट वॉज गोइंग ऑन, बॉयकॉट दैट वॉज गोइंग ऑन, एंड नेशनल एजुकेशन दैट वॉज गोइंग ऑन. राइट, तो ये चार इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात हुई 1906 की कांग्रेस के सेशन में. स्वराज शब्द मेंशन किया गया, लेकिन स्वराज का मतलब क्या है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अपने अपने व्यू पॉइंट थे एंड देयर वाज नो अग्रीमेंट. तो दे मेंशनड द गोल ऑफ द कांग्रेस टू बी अटेनमेंट ऑफ स्वराज, बट क्या है वो स्वराज इसके ऊपर अभी फील्ड ओपन छोड़ दी गई. ये था 1906 का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का. ये थे आज के 5 सवाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए. ऐसे ही और बहुत सारे सवाल प्रीलिम्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो आइए courses.sleepyclasses.com पे एंड एनरोल फॉर आर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग.